हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रॉ के बारे में, जो कि हेल इन ए सेल से पहले की लास्ट रॉ है। दो बड़े मैचेस तो कंफर्म्ड हैं, इसके अलावा वह एलेक्सा ब्लिस और सायना वेजले की स्टोरलाइन किस तरह से आगे जाने वाली है, बॉबी लैशली ड्रू मैकइंटायर के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, हेल इन ए सेल के लिए तगड़ा बिल्डअप होने वाला है। इसके अलावा गाइस, रोमन रेंस ने धमकी दे दी है रे मिस्टीरियो को एक बहुत बड़ी, तो क्या कुछ है पूरी कहानी, क्या कुछ हमें सब कुछ देखने को मिलेगा, सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस यार, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और फिर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आपके एक लाइक से। और गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस की थिंग के बारे में ही। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, स्मैकडाउन पर रे मिस्टीरियो ने चैलेंज किया था रोमन रेंस को हेल इन ए सेल यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए, और टॉकिंग स्मैक में पॉल हेमन ने रोमन रेंस की तरफ से वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें हेल इन ए सेल के अंदर रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। तो मैच तो हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा, आप रोमन रेंस के चैलेंजर पे मत जाइए, क्योंकि हमें एक्सटर्नल भी इसमें इंटरफेरेंस काफ़ी देखने को मिलेगी मैच में। पर गाइस, उससे पहले ही रोमन रेंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट लिखा है रे मिस्टीरियो को लेकर। पहले तो जो आप ये ट्वीट है वो देख सकते हैं, यहाँ पर रोमन रेंस अपने बारे में बता रहे हैं कि उनकी कितनी ऊँची पदवी है WWE में, और उन्होंने रे मिस्टीरियो को कहा भाई कि तुम मुझे नीचे खींचने के लिए खुद कितना हद तक गिर चुके हो, और तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे आने वाले हेल इन ए सेल मैच में। गाइस, जैसे कि आपको पता है, नेक्स्ट वीक अब हेल इन ए सेल होने वाला है, उससे पहले कि लास्ट स्मैकडाउन है, तो लास्ट स्मैकडाउन पे फिर से कुछ ना कुछ तबाही होगी, फिर ना कुछ धमाका होगा इन दोनों सुपर स्टार्स के बीच में। बाकी हेल इन ए सेल के अंदर क्या होता है वो जरूर देखना होगा। पर अब गाइस, बात कर लेते हैं नेक्स्ट रॉ के बारे में, और यहाँ पर एक टैग टीम मैच कन्फर्म है, और ये है रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल वर्सेस न्यू डे के बीच में। और ये फ्यूड भाई काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, कभी सिंगल सुपरस्टार लड़ते हैं दोनों टीम में से, कभी टैग टीम भी मैच हो चुका है, पर फाइनली ये मैच होगा और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल ही जीतने वाले हैं। इसके बाद गाइस, बात करें फीमेल डिवीजन से, और जैसे कि आपने देखा पिछले हफ्ते रॉ वुमेन्स चैंपियन रिया रिफ्ली और उनकी अपोनेंट से शार्लेट फ्लेयर एक ही टीम में थे, पर वो आपस में ही भिड़ गए थे, तो इसी का ही जवाब मांगते दिखाई देंगी शार्लेट फ्लेयर। भाई शार्लेट फ्लेयर की वजह से रिया रिफ्ली भी हार गई थी, शार्लेट फ्लेयर ने रिया रिफ्ली पर अटैक किया था। फिर से हमें दोनों सुपरस्टार आमने सामने देखने को मिलेंगे, और हमें एक तगड़ी ब्रॉल देखने को मिलेगी दोनों सुपरस्टार्स के बीच में। इसके अलावा गाइस, एक और मैच कन्फर्म है, ये मैच है एजे स्टाइल्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में। वैसे तो गाइस, एजे स्टाइल्स और ओमोस का भाई अपोनेंट हेल इन ए सेल के लिए वाइकिंग रेडर्स कन्फर्म है, पर एजे स्टाइल्स को ड्रू मैकइंटायर के सामने डाल दिया, तो ये कहानी तो कुछ हजम नहीं हो रही है WWE किस तरह से स्टोरी लाइन में आगे जाने वाली है। तो गाइस, हमें इस मैच में इंटरप्शन देखने को मिलेगी बॉबी लैशली की या फिर वाइकिंग रेडर्स की, जिसके बाद हमें मेन इवेंट में एक सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर एंड वाइकिंग रेडर्स वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ओमोस एंड बॉबी लैशली। तो ये एक बड़ा मैच सेट हो जाएगा और हेल इन ए सेल के दो मैचेस के लिए बिल्डअप क्रिएट करेगा। बाकी कौन स्टैंड टॉल रहता है, हमें कोई ना कोई एक सुपरस्टार स्टैंड टॉल करता हुआ दिखाई देगा, वो पॉसिबली हो सकते हैं ड्रू मैकइंटायर या फिर एजे स्टाइल्स, वो तो हमें नेक्स्ट रॉ पर ही पता चलेगा। इसके अलावा गाइस, हमें एक बड़ा रिटर्न देखने को मिलने वाला है, और वो होने वाला है ईवा मरी का। लगभग एक दो महीने से ईवा मरी के हमें प्रोमोस देखने को मिल रहे हैं कि वो अब रिटर्न करेंगे। फाइनली नेक्स्ट रॉ पर कंफर्म हो चुका है कि ईवा मरी आएंगी, और ईवा मरी का भाई उस कुछ इस तरह का सीन है कि वो अपने सोलो रन के लिए नहीं आ रही हैं, वो किसी दूसरे सुपरस्टार के सपोर्ट में आएंगी। कौन सी फीमेल सुपरस्टार होती है नेक्स्ट रॉ पर, शायद कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस, एलेक्सा ब्लिस और सायना बेजलर की थ्योरी आगे कुछ जा चुकी है। भाई एलेक्सा ब्लिस अब डरावने खेल खेल रही है सायना बेजलर के साथ, और पिछले हफ्ते तो लगभग सिट्टी पिट्टी गुल कर दी थी सायना बेजलर की, तो अब नेक्स्ट रॉ पर एलेक्सा ब्लिस क्या खेल खेलने वाली है, फिर सायना बेजलर के पास कुछ जवाब होगा नेक्स्ट रॉ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे सेगमेंट और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट रॉ पर। इसके अलावा क्या कुछ होगा हेल इन ए सेल के लिए, एक दो मैच क्या और अनाउंस होंगे नेक्स्ट रॉ पर पता चलेगा। और गाइस यार, आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आप बॉबी लैशली के सपोर्ट में या फिर ड्रू मैकइंटायर के, और रोमन रेंस के क्या हरा पाएंगे रे मिस्टीरियो को, कमेंट बॉक्स खोला आप जरूर बता सकते हैं। और इस वीडियो में भाई बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और फिर पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पर सेट कर लेना, और फिर मिलते हैं जल्दी। तब तक ख्याल रखें यार अपना।